चार्ट चेक क्विकली, जोमाटो पर 52 हफ्ते की ऊंचाई पर 81 के लेवल्स, 84 आज का दिन का हाई है। बिल्कुल मानसी, यहाँ पे देखिए जोमेटो की बात करें तो बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली है स्टॉक के अंदर लोअर लेवल से। इनफैक्ट यहाँ पे 52 हफ्ते की ऊंचाई पे ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। देखिए टेक्निकली अगर बात करें तो लोअर हायर हाई हायर पैटर्न काइंड ऑफ पैटर्न कैन बी सीन ऑन टू द चार्ट्स, तो विच इज अ पॉजिटिव सिग्नल फॉर द स्टॉक्स प्राइस मूविंग फॉरवर्ड। यहाँ से आगे चलते अगर हम लोग बात करें रेजिस्टेंस की, तो अगला रेजिस्टेंस जो स्टॉक का बनेगा वो बनेगा अहम सत्र बनेगा 90 से 92 रुपए की रेंज में। तो फिलहाल अगर किसी के पास पोजिशन है तो बिल्कुल होल्ड करके चल सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया 90 की रेंज में एक बार स्टॉक आता है, 90-91 की रेंज में वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक करें। फिलहाल स्टॉक के अंदर बने रहने की सलाह रहेगी। राहुल, आपसे जानना चाहेंगे आपकी नजर कहाँ है। नजर भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी हुई स्टॉक्स के साथ में बनी हुई है। सबसे पहले मैं बैंक को डिस्कस करना चाहूंगा। यहाँ पे आरबीएल बैंक मेरा सिलेक्शन है जो कि 202 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखिए आज अगर आप बैंक निफ्टी के अगर आप इंडेक्स देखेंगे तो वहां पे सबसे ज्यादा बढ़त आरबीएल बैंक के अंदर आई हुई है, करीबन 2.5 से 2.75% की। अभी अगर इस मोमेंट पे हम देख रहे हैं तो यहाँ पे स्टॉक ने टेक्निकल चार्ट्स पे अपने कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन डेली चार्ट्स पे कंप्लीट किया है, और अगर ये मोमेंटम जो मार्केट के अंदर चल रहा है अगर ये यहाँ से और आगे बढ़ता है तो मेरा मानना है कि 225 से 230 के लेवल जिसमें आपको बहुत जल्द आते हुए दिखेंगे। हो सकता है 225 से 230 के लेवल पे आपको एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखे, तो इसलिए हम 225 रुपए के टारगेट को लेकर चलते हैं। इस ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस बना के चलना होगा 192 के लेवल पे आरबीएल बैंक के अंदर। सेकेंड सिलेक्शन पिरामल एंटरप्राइज का है, पीईएल, जो कि 990 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखिए चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही शानदार है। आफ्टर अ लॉन्ग जंप जो कि हमने एक 21 जून को आती हुई देखी थी जहां पे गैप अप ओपनिंग के साथ में स्टॉक ने सस्टेन किया था, वहां पे हम देख रहे हैं कि पिछले 15 से 20 सेशन में एक अच्छा एक कंसोलिडेशन हुआ है और आज उसका ब्रेकआउट हमें डेली चार्ट्स पे आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक ऑलमोस्ट 50 से 60% करेक्ट हो चुका है 2000+ के लेवल से लेके 650 जो कि मार्च मंथ में हमने देखा था। अब इन करंट मौजूदा स्तरों पे मौजूदा लेवल पे मुझे लगता है कि ये बहुत स्ट्रांग है और काफी पोटेंशियल रखता है आउट परफॉर्म करने के लिए। यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे जो टारगेट रख रहे हैं वो 1050 के हैं और स्टॉप लॉस रखना होगा पीईएल के अंदर 970 रुपए का।